मोदी जी की फटने लगी है, भाजपा वालों की फटने लगी है। अब क्या आ गया भाई, फिर से कोरोना आ गया। मोदी जी का एक फार्मूला है, जब जब देश के अंदर कोई आंदोलन होता है तो उसी दरमियान कोरोना भी आ जाता है। आपको याद है एनआरसी लेके आए थे, सीए डबल कानून लेके आए थे, याद है ना। देश में आंदोलन हो रहा था, मुसलमान रोड पे बैठे हुए थे। वैसे अलग बात है कि उस एनआरसी के तहत 19.25 लाख आदमियों की नागरिकता उड़ीसा में गई थी, जिसमें सिर्फ 5 लाख मुसलमान थे और 14.25 लाख हिंदू थे। 5 लाख वाले जिनकी नागरिकता गई वो पूरे हिंदुस्तान में रोड पे आ गए, और जो 14.25 लाख जो हिंदू का ढोल पीटते हैं अंधभक्त, 14.25 लाख हिंदुओं की नागरिकता गई, लेकिन एक भी हिंदू रोड पे नहीं उतरे। कुछ जिनको जानकारी था वो उतरे, तो वो देशद्रोही कहलाए। फार्मूला अच्छा है। उसके बाद उस आंदोलन को कुचलने के लिए मोदी जी चाइना से कोरोना लेके आए हिंदू। एक वीडियो को वायरल किया गया कि एक आदमी चलते चलते सीधा गिर जाता है, करता मर जाता है। हिंदुस्तान में पता नहीं कितने आदमियों की जान गई, कोरोना से नहीं गई, दहशत से गई। 2 साल के दरमियान टीबी की बीमारी खत्म हो गई, दम्मा की बीमारी खत्म हो गई, कैंसर की बीमारी खत्म हो गई, बुखार खत्म हो गया, सर्दी जुकाम खत्म हो गया, जितने हिंदुस्तान में बीमारियां थी वो सब खत्म हो गई, सिर्फ बच गया एक कोरोना। डॉक्टर डर के मारे किसी मरीज को हाथ नहीं लगा रहे, दवाई नहीं दे रहे, मृत्यु तो होनी है। ये कोरोना की मृत्यु नहीं थी, ये भय की मृत्यु थी। किसी को बुखार लग गया तो डॉक्टर दवाई नहीं दे रहे थे, वो मरेंगे। किसी को टीबी की बीमारी थी, वो दवाई नहीं मिल रहा था, वो मरेंगे। किसी को कैंसर की बीमारी थी, उनको दवाई नहीं मिल रहा था, वो मरेंगे। नाम क्या दिया गया, नाम क्या दिया गया, कोरोना के कारण से मृत्यु हो रही है। क्योंकि जरासल कोरोना परोना तो मैं मानता ही नहीं। आंदोलन खत्म करने का बहाना था, क्योंकि देश में आक्रोश बढ़ रहा था। आंदोलन खत्म हुआ कोरोना के माध्यम से, उसके बाद आपने देखा होगा किसान आंदोलन चला, गाड़ियां चढ़ा दी गई भाजपा के मंत्रियों के द्वारा किसानों के ऊपर आंदोलन खत्म करने के लिए। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसानों के ऊपर गाड़ियां तक चढ़ाई गई। कोरोना काल का हवाला दिया गया, लेकिन हां एक बात है, आपको यह भी नोट करना पड़ेगा कि कोरोना काल में 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, ये भाषण में बहुत अच्छा मोदी जी देते थे, दवाई भी कड़ाई भी, लेकिन 2 साल में कई राज्यों में चुनाव हुआ, हजारों रैलियां हुई, वहां कोरोना नहीं फैला, क्योंकि वहां चुनाव का मसला था, मोदी जी को चुनाव जीतना था, तो वहां कोरोना भाग गया। अब इसी तरीके से आप देखें, अभी भारत जो यात्रा चल रही है पूरे देश के अंदर, मोदी जी की फटने लगी है, भाजपा वालों की फटने लगी है। अब क्या आ गया भाई, फिर से कोरोना आ गया।
छाया में है या नहीं है ये हम नहीं जानते, और मैं कोरोना को मानता ही नहीं है। सर्दी जुखाम साधारण सा चीज है जिसको एक महामारी का रूप दे दिया है मोदी जी ने, मोदी की सरकार ने। चाइना में क्या हो रहा है इससे हमें मतलब नहीं है, हां, लेकिन चाइना का भय दिखा के भारत जोड़ो यात्रा को खत्म किया जा रहा है। एक आंदोलन चल रहा है देश में मोदी जी के खिलाफ, जो इनकी गलत नीतियों के खिलाफ लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन को समाप्त करने के लिए फिर से चाइना से कोरोना, महीना हो दो महीना हो, वो भारत में प्रवेश कर जाएगा और फिर से भारत के निर्दोष बेकसूर गरीब मजदूर दवाई के बिना वो मरेंगे। हवाला क्या दिया जाएगा? कोरोना का। आपने देखा होगा 2021 में लासे गंगा नदी में, गंगा में, सरजू नदी में जगह कम पड़ गई थी। ये कोरोना प्रोना से नहीं मौत हुई थी, दूसरी बीमारियों से मौत हुई थी, उनको मारा गया था। और एक चीज और, जितने हिंदुस्तान में झोला छाप डॉक्टर हैं गांवों में, उन गांवों में कोई कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। सरकारी अस्पताल में जो व्यक्ति गए, चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो, पटना हो, मधुबनी हो, कहीं भी 90% आदमियों की मृत्यु हुई सुई लगाने से। यह भी एक कटुल सत्य है, आप सबने देखा होगा। तो सोच लीजिए आम नागरिक को मारने का कितना बड़ा मास्टरमाइंड, कितना बड़ा प्लान सिर्फ आम आदमी को मार के चुनाव जीतने के लिए, लोगों के अंदर भय पैदा करने के लिए ये सब षड्यंत्र रचे जाते हैं। और दूसरा तीसरा कोई इस देश के अंदर षड्यंत्र नहीं रचता है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये जितने धर्म के ठेकेदार वाली पार्टियां हैं, ये कुछ भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जैसे अभी आप देख लो, एक फिल्म आ रही है, पता नहीं बेशरम है या क्या है नाम, बेशरम सा कोई गाना है और उसपे एक भगवा वस्त्र पहन लिया है, कितना तांडव मचा हुआ है। लेकिन वही देश में हजारों के हिसाब से भगवा वस्त्र पहन के फिल्मी गाने फिल्माए गए हैं, और जितने भी भाजपा में लीडर अभिनेता से नेता बने हैं उन सब ने वो गाना गाया है भगवा वस्त्र पहन के। लेकिन नहीं, वो दोषी नहीं है, दोषी ये है कि एक मुस्लिम के साथ भगवा वस्त्र पहन के एक हिंदू लड़की ने गाना गाया है, मुद्दा बनाना है। अगर देश में बवाल मचाना है तो भारतीय जनता पार्टी से कोई सीखो कि बवाल कैसे मचता है। देश में आतंकी हमले कराने हो तो भारतीय जनता पार्टी से सीखो। हाँ, एक नेता बोल रहा था भाजपा का कि भाई जब से मोदी जी आए हैं तब से आतंकी हमले रुक गए हैं। सत्य वचन है भाई, क्यों नहीं रुकेंगे? अरे जो हमले कराने वाला व्यक्ति है वो सत्ता मिल गई तो फिर हमले क्यों कराएगा, अपनी सरकार की बदनामी क्यों कराएगा भाई, सिंपल सी बात है। अरे चुनाव जीतने के लिए गोधरा कांड हुआ था, चुनाव जीतने के लिए गांधी मैदान में 14 बम फुड़वाए गए थे मोदी जी, चुनाव जीतने के लिए पुलवामा हमला हुआ था, चुनाव जीतने के लिए बालाकोट हमला हुआ था, हुए हैं ये सारे हमले। तो जो खुद आतंक फैलाता हो, आतंक का आपको अगर मतलब समझना है तो देख लीजिए ना ये बेशरम रंग, कैसे एक साधु संत बनता है और वो बोलता है साधु संत की वाणी कि इसको जिंदा चला दो। वो साधु संत है, टीका लगाने से, कोई भगवा वस्त्र पहनने से कोई संत महात्मा नहीं बन जाता। संत महात्मा उसके विचार होते हैं, उसकी साजगी होती है। जो आतंक फैलाने की बात करता है, मारने
और मरने की बात करता है वो कभी साधु संत नहीं हो सकता है। संत का मतलब है शांत रहो, साधु का मतलब है साधो। वास्तव में ये साधते हैं, वास्तव में ये शांत रहते हैं, ये आतंक फैलाते हैं। ये आतंकी बाबा इसको कहे तो इसमें कहीं कोई मुझे दो मत नहीं है, ये आतंकी है, ये भाजपा के आतंकी बाबा हैं। तो आप लोग समझ लीजिए और सोचिए समझिए कि फिर से देश के अंदर चाइना से मोदी जी कोरोना लाने वाले हैं और देश का काम धंधा सब ठप करने वाले हैं। फिर से गरीब मजदूरों की लाशें कंधे पे ढो ढो के लोग जाने वाले हैं और फिर से देश के अंदर तांडव मचेगा। किस चीज का तांडव मचेगा? कोरोना वायरस का। बहुत जल्द महीना दो महीने में तीन महीना में तांडव मचेगा और मोदी जी मतवा, क्योंकि इनको भय है राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से। उस यात्रा को खत्म करने के लिए फिर से लाखों आदमी अपनी जान गंवाने वाले हैं। जय हिंद। आप सभी के लोकप्रिय बहुजन हलचल न्यूज चैनल को देखें। देश और दुनिया की वे खबरें जो कोई न दिखाए। सभी सत्य खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी को दबाएं और देखते रहिए बहुजन हलचल।